अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और आगे की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जो हमारी सब्जी आ गई तो सब्जी में जो है ना आज है चपड़ कद्दू, ये देखिए। तो अभी बनाते हैं और आपको भी इसके और आपको जो है ना इसकी रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने दुआ को जो है ना नहला के फ्रेश कर दिया है, फ्रेश हो गया दुआ और यहाँ पर झूले खेल रही है, मज़ा आ रहा है। वाह भाई, और ईमान जैसे स्कूल से आई है ना, हम तो पहले आ जाते स्कूल से और वो बाद में आती है, तो हम जैसे आए स्कूल से उसके बाद जो है ना ईमान आ गई थी स्कूल से, तो मैंने ईमान को फ़ौरन से जो है ना उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर खाना खिलाया। उसके बाद उसके जो है ना 15 मिनट के बाद जो है ना उसे मैंने सुला दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना 3 बजे जो है ना मैंने कुरान पाक पढ़ने के लिए भेज दिया था रुखसाना के साथ। रुखसाना ईमान और रुखसार सब जो है ना कुरान पाक पढ़ने गई हुई हैं और वो फिर जो है ना असर के टाइम ही आएंगी। मज़ा आ रहा है तुम्हें? वाह भाई, नहीं इसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। और आज मैं शरा से दुआ कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान। परसों वाले दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी थी और साथ ही थी, तो मैं ये जब से खा रही हूँ माशाल्लाह से मेरी अब कुछ आंखों में दर्द जो है ना कम हो रहा है। नहीं तो मेरी आईज़ में दर्द, आंखों में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं जैसे सुबह उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, स्कूल का टाइम जैसा होता था मेरी आंखों में फुल दर्द शुरू हो जाता था और फिर मेरे सारा दिन सारी रात मेरे आंखों में दर्द होता था। तो अब जो है ना मैं जब से ये मेडिसिन में देखिए दवाई मैं लेके आई हूँ डॉक्टर से तब से मैं खा रही हूँ, तो कुछ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है ठीक हूँ। और आज जो शब बरात है तो उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला इस शब बरात के सदके आप सब लोगों की दिली मुरादें पूरी करें। मुकद्दर लिखे जाते हैं और इस रात में जो है ना हर एक जो है ना दूसरे हर एक जो है ना एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं, तो आप सब लोग भी आप एक दूसरे से माफ़ी मांगिएगा इसी रात के सदके। अल्लाह ताला हर इन मुसलमान को माफ़ करेगा और इस रात का जो होता है ये इबादत की रात होती है, शब बरात ये इबादत की रात होती है। और मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बस शब बरात मुबारक हो। यहाँ पर जब मैंने आग जला ली है मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है आग पर। आज जो है मैं बना रही हूँ गेड़े, इसे कहते हैं, टीडे भी कहते हैं, चपड़ कद्दू भी कहते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ की रेसिपी। यहाँ पर जो है मैंने अच्छी तरह से इनके छिलके भी उतार लिए और अच्छी तरह से वॉश करके काट भी लिए। और यहाँ पर जो है एक जो है टमाटर है, एक साइज़ है, एक छोटा सा साइज़ है, देखिए एक ही टमाटर है, और दो छोटे साइज़ प्याज है, और यहाँ पर अदरक और लहसुन का 1 चम्मच जो है ना पेस्ट है। यहाँ पर पहले प्याज डाल दिए हैं, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा, दरमियानी फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। लहसुन और अदरक का जो 1 चम्मच पेस्ट था वो मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। सारा मसाला भूनने के बाद अभी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें डालूँगी हल्दी और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच डालूंगी नमक और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद चपड़ कद्दू जो कि मैं अभी वॉश करके आई हूँ मिक्स कर लेंगे। और जो आपने इसे भूनते रहना है 10 से 15 मिनट, इसमें आपने पानी जो है ना बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये जो है ना अपना पानी खुद ही छोड़ेंगे, आपने बिल्कुल ही इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना, और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना चपड़ कद्दू अपना जो है पानी छोड़ रहे हैं, ये देखिए
ये देखें, ये नीचे इनका पानी छोड़ देंगे। देखिए जब मैं इसके ऊपर 5 से 10 मिनट में ढक्कन दे दूंगी, अभी जो है 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। सिर्फ जीरा डालना है आपने इसमें, लौंग काली मिर्च कुछ भी नहीं डालना और सच में मिक्स कर लेना। अभी देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है ना सालन बिल्कुल ही तैयार हो चुका। तब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया जो कि मैं अभी वॉश करके आई हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा जो सालन है बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। और अभी जो हम करने लगे डिश आउट, देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन जो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और ये बिल्कुल ही आसान रेसिपी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। प्लीज़ आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भाई कौन आया हुआ है? हादी आया हुआ है हमारे घर, हादी आया हुआ है। वाह भाई, हिना कहाँ है? घर आई ना, सूट तो प्यारा पहना हुआ है, शर्ट भी येलो, पैंट ब्लैक, शूज ब्लू। वाह भाई, क्या बनाया? कह रहे हैं क्या बनाया है? दाल बनाई है। खाना खाना है हमारे घर? अच्छा, ये हमारे घर पहली दफा आया है। देखिए हमेशा आता है लेकिन आज अकेला आया है, हिना के साथ डेली आता है, आज हिना नहीं है, ये अकेला आया है। दिल लग रहा है यहाँ पर, मजा आ रहा है? कब से ये ईमान और दुआ खेल रहे है। घर जाना है आज? जाना है? नहीं जाओ, नहीं जाना। हाँ ना जाना, आज ना जाना, आज तुम्हारी मम्मा को अकेले सोने दो, इन्ना के साथ सोने दो, आज आज तुम्हारे घर ही सोना, ठीक है? नहीं अभी तो कह रहे थे हाँ, अब नहीं सोना? हम तुम्हें खाना नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे तुम्हें? अभी जो है रुखसार, ईमान और दुआ जो है ना हादी को छोड़ने गई थी मेरे मामू के घर, तो मामी ने जो थे ना चावल बनाए थे ये गुड़ वाले, तो मामी ने दिए हैं क्योंकि आज शब रात है, तो चावल जो है ना यहाँ शब रात की आज है ना मीठी चीज़ कोई बना के ना वो क्या कहते हैं उसका जो है ना ख़त्म देते हैं, ख़त्म दे कर ना पूरे जो मोहल्ले में जो जो सास वाले घर होते हैं उनमें बांट देते हैं। तो आज फिर बांटा है मेरी मामी ने, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शब बरात मुबारक, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शब रात मुबारक, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शब बरात मुबारक, शब मैं ये भी कह रही है। दुआ तुम भी कह दो, बहुत मुबारक, ये बहुत मुबारक से इससे ना बोला नहीं जा रहा, शब खैर मुबारक, खाओ खाओ चावल खाओ, तुम्हें हर वक्त बुखार ही होता है भाई। अच्छा ईमान दुआ को, ईमान और दुआ को जो है ना चावल बहुत पसंद है मीठे। मैं और फौजिया जो है ना बड़े तवे पर रोटियां बना रहे हैं, और अभी जो माशाल्लाह से हमारा खाना लग चुका है, और यहाँ पर फौजिया भी बैठी हुई है साथ में, और यहाँ पर कौन बैठा है? ईमान, माहम और रुखसाना। रुखसान ने जो है ना चावल खा लिए हैं, और दुआ ने भी, तो वो कह रहे हमने रोटी नहीं खानी, तो मैंने कहा चलो भाई चलो बिस्मिल्लाह पढ़े। कैसा बना हुआ है खाना? अच्छा। बहुत अच्छा बना हुआ है, माशाल्लाह भी बहुत अच्छा बना। ईमान तुम बताओ, खा लो। अच्छा खा लो फिर बताना। फौजा तुम बताओ कैसा बना हुआ है? अच्छा अच्छा बना हुआ है, कह रही हो अच्छा। बहुत अच्छा बना हुआ है खाना, थैंक यू। तुम्हें ये वाला सालन अच्छा लगता है? खाओ खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, शाबाश। और माशाल्लाह सब जो है ना ये जो सालन है मशरों से सब शौक से खा रहे हैं, और हमारे मिशो भी आगे साथ। ये लो मिशो, मिशो ये लो खाना खाओ तुम भी।